कौन कौन थे? एजाज, फेरोज, साहिल, रेहान, चारों थे। एजाज मारा मेरे भाई को, एजाज छुरी से मारा मेरे भाई को। अरे उन्हें मेरे को फोन करा जी, जब मैं हारूंगा किम तक बोला, पलट के चल जाओ बोला। पुलिस वालों को क्या बोले? पुलिस वालों को साहब मेरे बच्चे के साथ ऐसा जुलूम हो रहा, गला कर दो, कल के दिन कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार है क्या? साहब बोलते पीएस में आके कंप्लेंट लिखा, केस कर। अब वो केस होने के बाद, पूरा होने के बाद हमारा बच्चा टिफिन देके घर को आ रहा था, उसको ले आके रोड पे मार दिए। चार जने मिलके हमारे बराबर पुलिस वाले, बाहर के चार कोटे है, उसमें से एक कोटा और साहिल रहन के घर में रहता था कोटा, वो कोटा भी 4 बजे मारने को गया था। चार बजे मारने गया हमारा भाई, 4 बजे मैं फोन करा, मेरा नंबर फोन दो, 4 बजे मैं फोन करा, मैं नहीं उठा, मैं बिजी में था, फोन नहीं उठा उसका कॉल। उन्हें कहीं के लिए करा नहीं, वहाँ फिर रिटर्न करने के लिए गया मैं अभी जस्ट 11 बजे, 11:30 बजे खाने के लिए आया। आते ही मेरा दोस्त फोन करा, भैया तुम्हारे भाई का इंतकाल होगा, डेड बॉडी पर मर्डर कर दिए इधर, बोल के उनको बोल दिया। देखो 4 बार कॉल करा, 6 बार कॉल करा, मेरा कहीं को करा, बोल के मैं रिटर्न करेंगे, बोल के तुम्हारा घर पर जाके मिल लिए तो बात बराबर होती, बोल के मैं आया उसके भाई इसका केस हो, ये हो गया। पुलिस वाले जो है एक्शन नहीं लिए, जैसे वैसे बच्चे की जान चली गई। अगर पुलिस वाले जो है जाके ग्राउंड मार के आते, वार्निंग देते, तो बच्चे हमारे सामने बीच में रहता था, सही सलामत रहता था। पुलिस वालों की कायली की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई, जबकि 2 घंटे पहले आपको पीएस में आके कंप्लेंट पूरी राम कहानी सुना के गए, लेकिन पुलिस वाले जो है ना एक्शन नहीं लिए। उसके एक्शन नहीं लेने की वजह से बच्चे की जान चली गई। 8 से 4 आदमी मिल 8